पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आम सभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। आलम यहां तक पहुंच गया कि सत्ता पक्ष के भाजपा पार्षदों व विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों में नोकझोंक, गाली गलौज और हाथापाई तक हो गई। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने स्थिति संभालने के लिए सदन की बैठक दो बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित की, लेकिन हालात न संभलते देख उन्होंने हंगामे के बीच एजेंडा पास कर सदन में मौजूद सभी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को 15 दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में मौत हो रही है, यह एक गंभीर मामला है, इस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आश्वासन के बाद भी डेंगू पर चर्चा नहीं कराई। इसका विरोध जताते हुए जब आम आदमी पार्टी के पार्षद वेल में आए तो मनोनीत निगम पार्षद रामराज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के पार्षद खास करके महिला पार्षदों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बहुत ज्यादा केस डेंगू के आ रहे हैं, हम उस पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने नहीं मानी वो बात और अपनी बात से मुकर गए तो हम दोबारा वेल में आ गए। जब वेल में आए तो तभी उनके जो पार्षद हैं रामराज जी, वो हमें सभी को, महिला पार्षदों को और हम पर इशारा करके बोलने लगे, हटो दलालो, इन दलालों को यहाँ से हटाओ, इन दलालों को यहाँ से हटाओ। तो इस तरह की अभद्र भाषा एक जिम्मेदार पार्षदों के लिए बोलना, महिला पार्षदों के लिए बोलना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही असंवैधानिक है, अभद्र है और अव्यवहारिक है। इसके लिए तुरंत प्रभाव से मेयर साहब को, रामराज तिवारी को सस्पेंड करना चाहिए था। और हमने कहा कि उसको सस्पेंड ना करके, रामराज तिवारी जी को सस्पेंड ना करके, उन्होंने हमारे तमाम पार्षदों को सस्पेंड कर दिया, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से अपनी जबरदस्ती करके, तानाशाही करके सदन को चलाना चाहते हैं। नेता सदन सतपाल सिंह ने बताया कि बुधवार को सदन की बैठक खास तौर से दिल्ली में प्रदूषण, दिल्ली सरकार की अबकारी नीति और डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामले को लेकर बुलाई गई थी। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सबसे पहले प्रदूषण को लेकर चर्चा शुरू करवाई, लेकिन विपक्षी पार्षद पहले डेंगू पर चर्चा को लेकर अड़ गए और बेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। सतपाल सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की आदत ही हंगामा करने की है और झूठा आरोप लगाने की है। स्थिति रही कि नहीं, पहले आप डेंगू पर चर्चा करें। वो वेल में आए और वेल में आने के बाद जैसा उनका पहले से नीति रही है, हो हल्ला करना, शोर शराबा करना, माइक को तोड़ना, कागज को फाड़ना, उस सब पर वो आमदा थे और इसी को लेकर के उन्होंने हंगामा भी किया और माइक को भी उखाड़ा है, चश्मे भी शायद किसी का उनका।